पाठक की ओर से पहली गेंद जैसे नंबर छह आए हैं। पिछले मुकाबले पर काफी शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने। हल्की सी जैसे नंबर नाइन अच्छी गेंद करते हैं, उतने शानदार डिफेंस के मामले में टीम सफल आ रही है। पहली गेंद लेकिन अब जाएंगे बाहर। एक पॉइंट पहली गेंद पर प्राप्त होगा टीम बगटूना। अगला मैच केएफसी ढाबाखला वर्सेस देहरी अमदाना। तैयार है ढाबाखला देहरी अमदाना। ढाबाखला वर्सेस देहरी अमदाना अगला मुकाबला। और जीओ की पर आवाज आए हैं, आसानी से बहुत टच किया है अपर टीम पाठक के खिलाड़ी को वापस। और ये भी भाई तीन नंबर की जर्सी पर भी दूंगे पाठक के स्टार रेडर है। अच्छी रीडिंग करते हैं ये भी, लेकिन अपने जबरदस्त अगला मैच ढाबाखला जिला होशंगाबाद की सबसे शानदार टीम मानी जाती है। ढाबाखला भवानी भाई नजर आएंगे आपको जीएमपी ढाबाखला पर। उनका मुकाबला होगा देहरी आमदाना से थोड़ी देर पर। तैयार है ढाबाखला और देहरी आमदाना। फिर से दो नंबर की पहली रेट ये भी शानदार, यानी कि शानदार बनाम शानदार मुकाबला। और इस बार डिफेंस उतनी शानदार रहने जाएंगे बाहर। और नौ नंबर अल्पेश लगातार रेस कर रहे हैं अच्छी रीडिंग। और मात्र पांच खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पर, अधिक नए हैं। और ये इस बार भी बहुत अच्छा राइट कोर पर पॉइंट मिलेगा यहाँ पर टीम रामपुर को। काफी शानदार टीम रामपुर लगातार टक्कर दे रही है यहाँ पर संपूर्ण टीम को। और उसके बाद शाहपुर डीएमटी कॉलेज शाहपुर और मालवा कमी से भी है ना, उसके बाद में ढाबाखला और आपहारा। तो इसके बाद शाहपुर और मालवा एक और पॉइंट है, रेड से पॉइंट आ रहे हैं नौ नंबर। ऐसे चला तो फिर पाठक यहाँ पर जीत जाएगी और बगटूना को जाना पड़ेगा दूसरे राउंड पर ही बाहर। अगर अंदर रहना तो फिर थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा क्योंकि ये है नॉकआउट मैच। जो हारेंगे वो जाएंगे बाहर। लीग में ढूंढने तो आपको मौका मिलता बार बार, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में सर में समाप्त हो जाएगा आपका। और फिर से काफी अच्छी चार नंबर पे लगातार मौका मिल रहा है यहाँ पर। संदीप वरकड़े को रेड करनी चाहिए, अच्छी रीडिंग करते हैं वो भी, लेकिन लगातार चार नंबर को मौका दे जा रहा है टीम के द्वारा बिना किसी नुकसान के। और फिर से तीन नंबर जैसी बात भूल भूल गई टीम के कप्तान खुद आए हैं यहाँ पर हल्के इसके बारे में। दूसरे नंबर के रेडर जो लगातार अच्छी रीडिंग कर रहे हैं और चार बजे बजे इस बार फिर से दो राइट का वार्ड होता है। एक और पॉइंट मिलेगा अच्छी रीडिंग लगातार हो सकता है यहाँ पर बगटूना को इसी राउंड पर जाना पड़ सकता है बाहर। और चार नंबर अच्छी रेडी खिलाड़ी छोटे छोटे लेकिन टेक्निक शानदार पाठक से भी शानदार टीमों में से एक मानी जाती है। और बड़े शानदार गेम प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में सीजन 2023 ग्राम मालवर। आप सभी कबड्डी सत्रियों का आदि आदि अभिनंदन स्वागत करता है। और सुना चार नंबर ये यहाँ पर इंटर का प्रयास लेके एक से अधिक पल्टी रेट टू पॉइंट काफी शानदार काफी दो पॉइंट आगे है टीम रामपुर। काफी शानदार टीम रामपुर अभी तक मजबूत पकड़ टीम रामपुर का इस टूर्नामेंट में। और मात्र दो पॉइंट की बढ़त पर लास्ट ओवर के रेडर आउट। और एक रेड रहती मात्र 30 सेकंड तक आप खेल सकते हो किसी कोर्ट पर। आपने 30 से अधिक 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 रेड इसलिए आप हुए बाहर। दो खिलाड़ी बचे
हरियाणा के सुपर टैकल और प्रो कबड्डी में जब भी ग्राउंड पर तीन या तीन से कम खिलाड़ी होते हैं, तीन से कम मतलब तीन दो एक, अगर पकड़ते तो इससे पकड़ने वाली टीम दो दो पॉइंट, यानी कि इसको पकड़ो और दो पॉइंट, और ये यहाँ पर एक और पॉइंट मिलेगा टीम रामपुर को। काफी शानदार, अभी टैकल नहीं हुए एक बार भी, यानी कि पकड़े नहीं है एक भी बार, दो नंबर पॉइंट सब्स्टिट्यूशन लेकर देखते हैं नौ नंबर की जैसे पर ये भी अच्छी लेडी करते हैं। विरक्षण नुकसान की अच्छी रीडिंग ले के ऑल आउट बचाने के लिए सब्स्टिट्यूशन लिया गया है, बोनस का अटेम्प्ट कर रहे हैं, टच की जरूरत है यहां पर टीम टीम पर, दोनों को ऑल आउट होने तो फिर ऑल आउट होने पर दो अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं, और ये थूको उधर रामपुर एक पॉइंट से आगे रामपुर एक पॉइंट से पॉजिटिव बगदू नाम रामपुर बगदू ना एक पॉइंट आ गया रामपुर सही सही बता रहे यार तुम, उतने सारे लोग बैठने के बाद भी गलत बताओगे तो फिर ये गलत बात है, एक व्यक्ति बैठो लेकिन सही बताओ, एक पॉइंट से आ गया रामपुर दो पॉइंट से तीन पॉइंट हो जाएगी, तीन पॉइंट से